के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिहार UGAC की कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की फॉर्म भरने वाले हैं। डेट्स आ चुकी है, 5 तारीख से ही चीज़ें स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा HSTS का अपडेट आ गया था, इसमें मैं बिजी हो गया था, लेकिन आज के इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे बिगिनिंग से लेकर एंड तक आपको फॉर्म भरनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से कंप्लीट स्टेप्स चलेंगी। और आपको बीच बीच में कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा काउंसलिंग से रिलेटेड, इसीलिए वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर से देखें, बिना स्किप किए देखें आराम से, और फिर अपना फॉर्म खुद से भरें। कहीं साइबर कैफे या कहीं जाके 150 रुपये देने की जरूरत नहीं है, आप खुद से फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने हैं। सबसे पहले आपको जो है वेबसाइट पे यहाँ पे सर्च करना है BCECE, बस सिंपल मैंने BCECE सर्च किया और मैंने यहाँ पे कर दिया गूगल। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला वेबसाइट जो आपके सामने आ जाएगा वो है BCECEboard.bihar.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर में आपको क्लिक करना है, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट हो जाता है BCECE का, जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाता है BCECE वाला, वो उसके लिए। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको अगर प्रॉस्पेक्टस को पढ़ना है, यानी कि जो UGAC की हमारी काउंसलिंग होगी इंजीनियरिंग के लिए, उसके लिए क्या क्या कंप्लीट चीज़ें रहने वाली है, उसको पढ़ने के लिए आप यहाँ पे UGAC के ऊपर में क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम ये चीज़ को क्लिक कर देंगे, हमारे पास एक प्रॉस्पेक्टस 25 पेजेस का यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशनड है, जैसे जेईई मेंस के बेसिस पे एडमिशन होगा, क्या क्या आपका जो है रिजर्वेशन रहेगा, SC वालों के लिए 16%, ST के लिए 1%, EBC के लिए 18%, EWS के लिए 10%, ऐसे ऐसे चीज़ें जेईई मेंस के बेसिस पे एडमिशन होगी। साथ ही साथ BCECE 2023 में जिन्होंने भी PCM ग्रुप के अंदर फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, उनको भी यहाँ पे जो है वरीयता दी जाएगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इंडिया के हो और उसके साथ साथ अगर आपके माता पिता बिहार के अस्थायी निवासी हैं, या बिहार में शरणार्थी हैं, या फिर बिहार में सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर जो है झारखंड में है, या कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। बेसिकली अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है ना, तो आप BCECE UGAC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती है। उसके बाद नीचे गिवन है कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच है और कौन सी ब्रांच के अंदर किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको भी आप बड़े आराम से देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में, और यहाँ पे चलते हैं अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर में, कंप्लीट फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल फॉर UGAC 2023, ठीक है। तो आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें रजिस्टर करनी है यहाँ पे। ओके, ये जिन्होंने भी रजिस्टर कर दिया वो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर मुझे नया यहाँ पे रजिस्टर करना है तो मैं यहाँ पे जो है क्लिक करूँगा न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर में। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे जो है जेईई मेंस का अपना एप्लीकेशन नंबर मैं एंटर करूँगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करूँगा। तो अपना एप्लीकेशन नंबर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ आप सभी के सामने, तो ठीक है, मैंने एप्लीकेशन नंबर को एंटर किया। एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, 2303 ऐसे करके स्टार्ट हो रहा होगा आपके जेईई मेंस के रिजल्ट के अंदर। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है हमारा, डेट ऑफ बर्थ मेरा है शायद 2/5/2003, ओके, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 2/5/2003, पाँच हो गया आपका मई और 2 तारीख, ओके कर दिया 2/5/2003, ठीक है। अच्छा, डजंट मैच, सॉरी गड़बड़ हो गया होगा, मैं दोबारा से इस चीज़ को कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। सो एक्चुअल में मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/10/2005, ठीक है, 2/10/2005, तो मैं यहाँ पे 2/10/2005 करूँगा, 10 मतलब कि अक्टूबर, 2/10/2005, 2/10/2005 हो गया, ओके कर दिया। प्लीज़ बिठा, सारी चीज़ें वेरीफाई हो चुकी है, आप यहाँ पे देख लो, मेरी डिटेल्स भी आ गई है, ये सारी डिटेल जो है कहीं ना कहीं फेच कर ली गई है डेटाबेस से, जो जेईई मेंस में मैंने भरा हुआ था उससे। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, अपना फ़ोन नंबर एंटर करूँगा, अपना ईमेल एंटर करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड अपना बना लूँगा, आधार नंबर डालूंगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन एक बना के, जैसे मेरा चाइल्डहुड, नेम योर फर्स्ट टीचर, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है कि बाद में अगर पासवर्ड वगैरह रीसेट करोगे तो उस टाइम पे आपको काम आ सकता है, ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है, उस तरीके से लिखना इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करूँगा, उसके बाद सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर में एक OTP आएगा, जिसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा मोबाइल वेरिफिकेशन कोड वाले डब्बे के अंदर। उसके बाद ईमेल के ऊपर भी सेम चीज़ होगी, ईमेल के ऊपर में एक OTP आएगा, नंबर आएगा 5-6 अंक का,
उसको मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। एक छोटा सा पासवर्ड आप बना लेना जो कि आपको याद रखना है, उसके बाद आधार नंबर एंटर कर देना और साइन अप पे क्लिक कर देना। ठीक है, मैं ये चीजें करके आपको दिखाता हूँ आगे। तो फाइनली ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद आप ईमेल आईडी एंटर करोगे, वेरिफिकेशन के ऊपर में क्लिक करोगे, एक 6 अंक का आपके नंबर जाएगा आपके ईमेल के ऊपर में, उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद पासवर्ड बना लेते हैं। एक पासवर्ड जो है हम लोग यहाँ पे बना ले रहे होंगे, पासवर्ड यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ। पासवर्ड एक अच्छा खासा बनाना बढ़िया से जो है, ठीक है, पासवर्ड बना लिया, अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे साइन अप के ऊपर में इस कोड को लिख करके मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, तो लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, मैंने भर दिया है। अब मैं यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी सारी की सारी डिटेल हो गई है जो कि मे भी आपको विजिबल ना हो, इसको मैं हटा दूंगा। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं कन्फर्म के ऊपर में मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने कन्फर्म के ऊपर में क्लिक किया, मेरी सारी की सारी चीज़ें जो है डन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, साइन इन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेरा जो यूज़र नेम है वो मेरा ईमेल हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लो। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस मैं एंटर करूंगा और मैं अपना पासवर्ड जो मैंने बनाया था उन दोनों चीज़ों को एंटर करूंगा और मैं आगे यहाँ पे बढ़ूंगा और आप सभी को दिखाऊंगा कैसे क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ठीक है, मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दी है ईमेल एड्रेस के नीचे में और पासवर्ड एंटर कर दिया है यहाँ पे और यहाँ पे कैप्चा कोड को एंटर कर दिया। ये जो कोड है ना आपके सामने, इसको एंटर कर देंगे। साइन इन के बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मेरे सामने सारी की सारी डिटेल जो है यहाँ पे आ चुकी है और मुझे इसको अब फिल करना है। ये देख लेना, आपकी ही डिटेल हो सारी की सारी ऊपर में। उसके बाद क्या आप परमानेंट रेसिडेंट है बिहार के? हाँ। उसके बाद स्टेट ऑफ रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, माता पिता बिहार के निवासी हैं। कैटेगरी जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जनरल। कंफर्म कैटेगरी, बिल्कुल जनरल। इज योर फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख्स? यस। उसके बाद ड्यू क्लेम सर्विस मेन्स कोटा? नो। ड्यू क्लेम सेल्फ फाइनेंस सीम एट बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्सेज? नो। ड्यू क्लेम NRI कोटा? नो। डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये सब चीजें देख के डालनी होगी, मुझे देखना पड़ेगा जो भी है। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर आप क्या लिखोगे पता है आपको? कोई भी साइन हो, जैसे मेरे लेफ्ट चिक पे यहाँ पे जो है एक तिल का निशान है तो उसको मैं लिखूंगा तिल एट लेफ्ट चिक, ऐसा कुछ। आपके हाथ में, बाजू में, पैर में, पैर तो छोड़ो ऊपर का होना चाहिए, हाथ में हो गया, बाजू वगैरह में हो, चेहरे पे हो, कोई भी ऐसा साइन हो जो कि विजिबल हो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दोगे बड़े आराम से। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप लिख दोगे। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका दोनों सेम है तो सेम करके सेव एंड कंटिन्यू को ऊपर में क्लिक करोगे। मैं ये भी आपको दिखाता हूँ सामने। देखो, सारी की सारी चीज़ें मैंने भर दी है, सारी की सारी डिटेल मैंने कम्प्लीटली अच्छे से फिल कर दी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने ओपन होता है कि आप सिग्नेचर अपलोड कीजिए। पहले अपना फोटोग्राफ अपलोड कीजिए, फिर आप अपना इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड कीजिए इंग्लिश में नाम लिख के, फिर हिंदी सिग्नेचर भी आप अपलोड कीजिए। इन तीनों चीज़ों को मैं अपलोड करता हूँ। उसके लिए जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जिसके विड्थ 200 पिक्सल और हाइट 250 पिक्सल्स होनी चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए सेम चीज़ दी हुई है, हिंदी सिग्नेचर इंग्लिश सिग्नेचर के लिए सेम चीज़ गिवन है। इन चीज़ों को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैं आपको दिखा ही देता हूँ एक बार कि आपको कैसे इसको सेम फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोगों के पास कि भैया इस साइज में कैसे लाएँ, उस 100 KB से कम कैसे लाएँ। देखो ऐसे लाएँ, अभी बताता हूँ। एक वेबसाइट है इमेज रिसाइजर, इमेज रिसाइजर, ठीक है, फ़ोन से भर लोगे आप आराम से, मैं जो बता रहा हूँ इसको फॉलो करते जाना बस, फ़ोन से भर लोगे। यहाँ पे मैं गया, मैं डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने सत्यम की फ़ोटो डाउनलोड करी थी। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं कहता हूँ कि पहले इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं क्रॉप, क्योंकि यार है कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लिया क्रॉप। इस क्रॉप को करने के बाद उसके बाद ठीक है आ गया इस फॉर्म में। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, UGAC वालों ने क्या कहा है कि 200 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए, विड्थ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई 200 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 250 पिक्सल होनी चाहिए। तो विड्थ जो है 200 पिक्सल होनी चाहिए, रिसाइज पे क्लिक कर लेंगे पहले, ठीक है, 200 पिक्सल होनी चाहिए जो है 100 KB के आसपास। तो मैंने यहाँ पे 80 एंटर कर दिया टारगेट लगभग, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद रिसाइज इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, डन।
33 KB की अपनी इमेज बनी है और इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड यहाँ पे आ गया, चूज फाइल के ऊपर क्लिक किया मैंने और सत्यम अपलोड पे क्लिक कर दिया। मज़ा आ गया। सिग्नेचर के लिए से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग इसको सही करते करते, इमेज ये किया थोड़ा छोटा रह गया, थोड़ा बड़ा रह गया, आराम से कर लोगे यार देखो बस। तो मैंने सेम प्रोसेस से दोनों के दोनों इमेजेस को यहाँ पे कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ अब दोनों को, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश वाला साइन, ठीक है। अब मैं हिंदी वाले साइन को अपलोड कर लेता हूँ, ये हो गया हिंदी वाला साइन, ठीक है। हो चुकी है सारी चीज़ें, अब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं आराम से प्यार से क्लिक कर देंगे। अब 12th के बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड अच्छा अच्छा 10th के बारे में यहाँ पे पहले जानकारी देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 12th के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो 10th में स्कूल कौन सा था मेरा, बोर्ड कौन सा था मेरा, बिहार बोर्ड था, ठीक है, CBSE भी हो सकता है। पासिंग स्टेटस मेरा पास था, पासिंग ईयर मेरा जो है 2020 रहा है, परसेंटेज था मेरा, मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें से कितने मार्क्स आए उसके हिसाब से परसेंटेज यहाँ पे बच जाएगी। सेम 12th के लिए लिखना है, 12th के मार्क्स यहाँ पे लिखने, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग अभी करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने सारी की सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर दी है, आप लोग देख सकते हो। आपको यहाँ पे तीन जो सब्जेक्ट खाली मिलेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं एंटर करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। कितने नंबर आए हैं, 65, 55, 67, 100 में से आए हैं, और अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज खुद ब खुद एंटर हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि क्या ये जो डिटेल है सामने आपको जो दिख रहा होगा ये आप ही का है, क्या सारी चीज़ें सही है। हाँ जी सारी चीज़ें सही है। अब इन चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे कहेंगे आई सर्टिफाई दैट द एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसके ऊपर में क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर में आप क्लिक कर देंगे, ओके ठीक है। अब प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर में हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो है सामने आपको पेमेंट का गेटवे दिख जाएगा। अब यहाँ पे या तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अपना कार्ड नंबर वगैरह एंटर कर देंगे, या तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे नेट बैंकिंग में बहुत सारे बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे, या तो आप अपने पेटीएम वॉलेट वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप अपने UPI से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। QR भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक आपको QR कोड सामने दिखेगा, ये QR कोड मेक पेमेंट QR कोड दिखा, इस QR कोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं। 1200 रुपये की आपकी फ़ी रहती है, इसको आप पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करूँगा, पेमेंट आपके हाथ में छोड़ देता हूँ, छोटी सी चीज़, इसको आप कर लेना। अब जैसे ही आप पेमेंट यहाँ पे कर लेंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं जो है हम लोग बैक आ जाते हैं, ठीक है, UGSE की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको कहीं ना कहीं फ़ी पेमेंट होने के बाद एक लास्ट स्टेप आपको कन्फर्मेशन का दिखेगा, उसको सबमिट करके आप कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो जाएंगी और आप अपने से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अगर इतनी सारी चीज़ें आप कर लेते हो, आपका जो है BCEC का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। टोटल जो है चीज़ें मैं आपको बताऊँ, जैसा मैंने इसको ओपन किया था, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा 5 तारीख से लेकर के 5 जून से लेकर के 30 जून तक का समय है आपके पास फॉर्म भरने का। उसके बाद 1 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, मान लीजिए 30 जून तक ही आपको पेमेंट करनी, 1 तक क्यों जाओगे। उसके बाद अगर आपकी कोई गड़बड़ हो गई हो तो 2 जुलाई तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं। 4 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, एक रैंक आ जाएगी, UGSE की आपकी रैंक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग आपकी दूसरी वेबसाइट पे होगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी, क्या होगी, वो बातें भी बताऊंगा। तो 4 जुलाई के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, बाकी ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारी प्रीमियम सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बिहार की काउंसलिंग के लिए कंप्लीट बिगिनिंग से लेकर एंड तक आपको गाइड करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, चॉइस फिलिंग से लेकर हर एक बातें आपको बताते हैं। तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 399 के अंदर पूरी बिहार की काउंसलिंग हम लोग आपको करवाते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं कैसे फॉर्म भरनी है, क्या करना है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।